जी हाँ दोस्तों, आईपीएल खत्म होने के बाद अब सभी की निगाहें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, जहां दोनों ही टीमों के बीच यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेहद ही खतरनाक फाइनल मुकाबला 7 जून से खेला जाना है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के ओला के मैदान पर खेला जाना है और वहाँ की पिच भारतीय पिच से बेहद ही अलग है, जहाँ कंगारुओं को हराना भारतीय टीम के लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए अब आईपीएल में अपनी कप्तानी से चुने गए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जीत दिलाने के बाद टीम इंडिया के मेंटोरशिप महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम को WTC फाइनल मुकाबला जिताने के लिए भारतीय टीम के 11 भूखे शेरों का ऐलान कर दिया है और 3 ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों की टीम में एंट्री करवा दी है जिन्होंने आईपीएल में अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से कोहराम ही मचा कर रख दिया। तो दोस्तों बताएंगे आपको, टीम इंडिया के मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी आखिरकार ऑस्ट्रेलिया को WTC के फाइनल मुकाबले में कुचलने के लिए किन किन खतरनाक और भूखे बब्बर शेरों को टीम में शामिल किया है। लेकिन यार उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन सबसे बेस्ट कप्तान है, कमेंट करके अपनी राय जरूर हमें बताएं। दोस्तों अब आईपीएल के रोमांच खत्म हो चुके हैं। फैंस को करीबन 2 महीने से आईपीएल का खतरनाक और सांस रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों क्रिकेट का रोमांच कभी खत्म नहीं होगा, भले ही आईपीएल इस सीजन में समाप्त हो गया है, लेकिन अब क्रिकेट फैंस को एक और ऐसा खतरनाक मुकाबला देखने को मिलने वाला है जिसका वह कब से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, अब कुछ ही दिनों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है, जहां दोनों ही टीमें एक दूसरे को मचलने के लिए अब अपनी अपनी तैयारियां करने लग गई है। दोस्तों आपको बता दें कि यह मुकाबला बेहद ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जब भी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आपस में आमने सामने आती है तो मुकाबला अपने आप ही खतरनाक हो जाता है। दोस्तों भले ही भारतीय टीम ने कंगारुओं की टीम को कुचलकर इस बार बॉर्डर गावस्कर सीरीज अपने नाम की थी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि हमारे भारतीय टीम ने अपने ही घर भारत में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। लेकिन लंदन के ओला के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को हराना हमारी टीम के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहाँ की पिच भारतीय पिच से बिल्कुल ही अलग है। 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल मुकाबले में पहुंची थी, जहां उसके सामने न्यूजीलैंड थी, लेकिन भारतीय टीम को इंग्लैंड की ओला के मैदान पर न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए भारतीय टीम के लिए यह जीत इतनी आसान नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों यह भी सच है कि 2021 टीम इंडिया और 2023 के टीम इंडिया में काफी ज्यादा फर्क है। हमारी टीम इंडिया पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो गई है, इसीलिए यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक और कांटेदार का मुकाबला होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 से 11 जून 2023 तक WTC का मुकाबला खेला जाएगा, और अगर कोई भी परेशानी या बारिश आती है तो एक दिन यानी 12 जून को रिजर्व डे रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, लंदन के इस ओला के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। वहाँ टीम इंडिया का रिकॉर्ड बेहतर नहीं है। दोस्तों भारत ने इस मैदान पर कुल 14 टेस्ट मैच खेले है इनमें से 2 में जीत तो वही 5 मुकाबलों में हार मिली है, जबकि 7 मैच ड्रॉ भी रहे है। इसीलिए यहाँ भारतीय टीम का घटिया रिकॉर्ड रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के मेंटोरशिप महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हिसाब से 11 बुक के शेरों का ऐलान किया है, जो निश्चित तौर पर कंगारुओं के धागे खोल देंगे। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार धोनी ने ऑस्ट्रेलिया को WTC में कुचलने के लिए किन किन खतरनाक और भूखे शेरों को टीम में मौका दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ओपनिंग में सबसे पहले रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल की अगुवाई देखने को मिलने वाली है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि शुभमन गिल का रिकॉर्ड आईपीएल 2023 में काफी बेहतरीन रहा है, जिन्होंने आईपीएल 2023 में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सभी लोगों का दिल जीत लिया है। इसी के साथ इनको आईपीएल 2023 में ऑरेंज केप के अवार्ड से नवाजा गया है। वही दोस्तों रोहित शर्मा ने भी इस बार थोड़ा बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। इसी के साथ साथ नंबर 3 पर महेंद्र सिंह धोनी ने राजस्थान के धाकड़ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका दिया है। दोस्तों आपको पता होगा कि आईपीएल 2023 में यशस्वी जायसवाल ने सबसे तेज अर्धशतक लगाने का अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज किया है। इसी के साथ साथ काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना भी अच्छे से जानते हैं। वही दोस्तों नंबर 4 पर किंग कोहली का बल्ला चलने वाला है, जिन्होंने आईपीएल 2023 में तबाही मचा कर रख दी है। वही दोस्तों नंबर 4 पर महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीकर भरत को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन को टीम में फिक्स कर लिया था, फिर महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा का मूड बदल गया और ईशान किशन की जगह श्रीकर भरत को लिया गया है। उसी के साथ मध्य क्रम में रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रविचंद्र अश्विन जैसे धाकड़ बल्लेबाज और गेंदबाज टीम में मौजूद रहेंगे, और अंत में बॉलर उद्दंड मारतंड मोहम्मद शमी के साथ मोहम्मद सिराज की जोड़ी दिखने वाली है, जो किसी भी टीम की गुल्लियां उड़ाने के लिए अकेली ही काफी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के कंगारुओं को क्या कुचल पाएगी, और अगर महेंद्र सिंह धोनी के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।